नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आ रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। अभी जो है आज के दिन भी एक टेस्ट जो है वो होने वाला था, जो कि उनकी पुरानी रिक्रूटमेंट थी। अभी दोबारा से जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो है यानी कि TCS में दोबारा से रिक्रूटमेंट निकली है। आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है किसी तरह की फीस नहीं देनी है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अक्रॉस इंडिया ही आपके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 2019 और 20 बैच वाले एलिजिबल हैं, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस ग्रेजुएट। इनके अलावा कोई भी आवेदन नहीं कर सकता है। कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन एलिजिबल नहीं है उसकी जानकारी थोड़ी देर में आपको देने वाला हूँ, और कंप्लीट जानकारी जो कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, सारी चीज़ें जो है मैं बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों इस टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है वो है 29 नवंबर 2019, शुरू हो चुकी है। 5 जनवरी तक चलेगी। इसके पहले पहले आपको आवेदन करना है। 18 और 25 जनवरी को जो है इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो थोड़ी देर में बता दूंगा। सबसे पहले नजर डालते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों उन्होंने साफ साफ बताया कि 2019-20 बैच वाले आर्ट्स कॉमर्स और साइंस ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल नहीं है यहाँ पे सेकंड नंबर पे उसकी सारी जानकारी दी गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे आके ये चीज़ें रीड करिए, आपको पता चल जाएगा। BA इकोनॉमिक्स में करी है, एलिजिबल नहीं है। BTech वाले एलिजिबल नहीं है। BE वाले एलिजिबल नहीं है। BA स्टैटिस्टिक्स वाले एलिजिबल नहीं है। जर्नलिज्म वाले BA एलिजिबल नहीं है। CA MBA MSc MA MCOM कोई भी एलिजिबल नहीं है इनमें से। बाकी अगर आप आर्ट साइंस और कॉमर्स वाले हैं एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि फुल टाइम का मतलब कि किसी भी तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। फुल कॉलेज में जाके आपने रेगुलर स्टडी करी हुई है तभी आप एलिजिबल हैं। 2 साल से ज़्यादा का एजुकेशन में गैप नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। कम से कम जो है फ्रेशर्स होने चाहिए। बाकी अगर आपके पास 3 मंथ तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 मंथ से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे उसकी जानकारी साफ साफ दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों असेसमेंट डिटेल की, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा उनके आंसर्स देने के लिए। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कंपैरिजन, उसके बाद जो है वो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही सब्जेक्ट जो है वो आने वाले हैं। 10-10 मार्क्स का पहला, उसके बाद 4 क्वेश्चन जो है वो रीडिंग के होंगे, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के जो है वो 12 क्वेश्चन आपको आएंगे। और ये दोस्तों आपको चेक करेंगे आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद जो है आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटीज, ये सारी चीज़ें वो चेक करने वाले हैं। बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपके हैं क्वेरीज हैं तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का उन्होंने सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप चाहें तो एक बार आके रीड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा जो आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जितनी मुझे जानकारी होगी मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों 29 नवंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, यानी कि अभी फिलहाल जब आप वीडियो देख रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ये आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आपको जो है वो नए पेज पे ले जाएगी। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा फॉर्म फिल करने को, ये सारा फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और ये जो कोड है इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट, जैसे सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद वेट करनी है उनके इनविटेशन की और वहाँ पे जाके आपको जो है वो टेस्ट देना है, जहाँ पे भी आपका नियर जो है वो टेस्ट लोकेशन रहेगी। तो 2019 और 20 ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। लिंक आपको सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।